अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो को, FSC पार्ट 1 की बुक को, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक BSc जूलॉजी का या BSc बॉटनी का, इवन MSc जूलॉजी का कोई टॉपिक किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो यू गाइस कैन आस्क मी फॉर दैट, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर टॉपिक। अच्छा, जैसा कि हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो वर्ड बायो है इसका मतलब है लाइफ, और लॉजिक का मतलब है रीजनिंग और लिविंग थिंग्स। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। That's the basic step. Now further, हम देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। मेन जो तीन चीज़ें जिनको बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं, उनमें आ जाती है, जो पहली है वो लिविंग पार्ट ऑफ नेचर है। लिविंग पार्ट क्या है? हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स ही हैं। मतलब दो बेसिक जो लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, एक ह्यूमंस और ह्यूमंस मतलब एनिमल्स, और दूसरे हैं प्लांट्स। नाउ द सेकेंड थिंग विद विच बायोलॉजिस्ट डील्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स। ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती हैं, उसमें क्या आता है? उसमें आती है हमारे टेम्परेचर, हमारे क्लाइमेट, और हर वो चीज़ जो कि हमारी एग्जिस्टेंस को जो है वो अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिसको साइंटिस्ट जो है वो चेकआउट करते हैं, वो है हाउ लाइफ वर्क्स। अगर हम अलाइव हैं तो हम कैसे अलाइव हैं, अगर कोई चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है तो वो कैसे अफेक्ट कर रही है, और वो हम उसका जो अफेक्ट है वो मतलब हम पे क्या है, हमारी डेथ हो रही है तो कैसे हो रही है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या पार्ट है इस दुनिया में। ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जिससे जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो डील करते हैं। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स, सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो के अफेक्ट करती हैं लिविंग थिंग्स को। गॉट इट? नाउ द लास्ट थिंग इज हाउ लाइफ वर्क्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या। तो हम बताते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो हमें कहते हैं कि जो लाइफ है उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अच्छा, जो बेसिक चीज़ है कि लाइफ क्या है, कैसे है, क्यों हुआ है, ये तो फिलोसोफर्स ही बता सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं बता सकते। साइंटिस्ट जो हैं वो इसको डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं कि जो लाइफ है, ऐसे करेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में जो उसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, वो लाइफ होती है। जैसे अब हम हैं, जानदार हैं, एनिमल्स हैं, चल फिर सकते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो चल फिर नहीं सकती, वो खाना नहीं खा सकती। बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स में वो एब्सेंट है। यही जो मेन डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएट करता है लिविंग को नॉन लिविंग थिंग्स से, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल लाइफ। नाउ वी विल डिफाइन लाइफ। तो लाइफ जो है करेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, दैट्स, होप दैट्स क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जाहिर सी बात है उनके कोई करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, हर चीज़ के कोई ना कोई करेक्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं उनकी बॉडीज़, मतलब उनकी बॉडीज़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं, जो हम कहते हैं कि जी इनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स है। जो सेकंड चीज़ है वो है जी दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और जो बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, मोर देन वन, दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स एज वी ऑल नो। तो जो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कम्प्लेक्स बॉडीज होती हैं इनकी। सेकंड पॉइंट है कि इनके पास वन और मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
थर्ड वन इज़ कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, और जो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जेनेटिक मटेरियल जो कि DNA RNA वगैरह। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि वो एनर्जी ले सकते हैं और उस एनर्जी को यूज़ भी कर सकते हैं। एनर्जी कहाँ से लेते हैं? थ्रू डिफरेंट फूड सोर्सेज दे गेन दैट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट। नाउ वील try to write it down. The first one is they're highly organized and have complex bodies. Second is have one or more cells. Now we look on to the third point, which is they contain genetic material. Now, next one is they can get and use energy. और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म होता है, जिस मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है बॉडी में और हम इस काबिल होते हैं कि हम चल सकें, डिफरेंट डेली अपने जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म कर सकें, वो होते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी कंट्रोल केमिकल reactions. Now, इनकी एक और characteristic होती है कि ये grow करते हैं in size, can grow in size. Next होती है कि ये maintain करते हैं homeostasis को, और homeostasis क्या है? We'll talk about that too. जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि अफेक्ट करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहती है। होमियोस्टेसिस क्या है? कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। विच इंटरनल इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे सेल्स हैं, उनका कॉन्स्टेंट रहना डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। मतलब जब जो फ्लक्चुएशंस काज होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो फोर्स करती हैं बॉडी को कि बॉडी के अंदर भी जो है वो चेंजेस हों, लेकिन नहीं होते चेंजेस, बॉडी कॉन्स्टेंट रहती है। दिस इज नाउन एज होम्योस्टेसिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि दे कैन रिप्रोडक्शन। ये तो मेन पॉइंट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पोंड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो था कि हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को देख लें कि बायोलॉजी क्या है, किस चीज़ को डील करती है, साइंटिस्ट किन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने लाइफ को देखा कि लाइफ के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं बायोलॉजी का मीनिंग। बायोलॉजी का मीनिंग क्या था? बायो का मीनिंग लाइफ एंड लॉजी मतलब रीजनिंग। और ऐसी स्टडी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वो है बायोलॉजी की स्टडी। और उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं बायोलॉजिस्ट हैं वो तीन चीज़ों के साथ डील करते हैं। नंबर वन इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स। नंबर टू इज ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो कि अफेक्ट करती हैं लिविंग थिंग्स को। द लास्ट वन इज हाउ लाइफ वर्क्स, कि हाउ नॉन लिविंग अफेक्ट लिविंग एंड हाउ लिविंग थिंग्स रिजिस्ट दैट चेंज विच इज कास्ट बाय नॉन लिविंग फैक्टर्स। नाउ हमने देखी लाइफ की एग्जांपल, वो डेफिनेशन, लाइफ की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे करेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम बोलते हैं कि ये लाइफ है। नाउ इसके आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने देखे, टोटल 9 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने अभी स्टडी किए। द फर्स्ट वन इज़ कि ये बहुत हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइफ हाईली ऑर्गेनाइज है।
मोर देन वन सेल होते हैं या फिर वन सेल होता है, फिर इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है. नेक्स्ट वन इज़ दे कैन गेट एंड यूज एनर्जी. नेक्स्ट है इसके ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को विच टेक्स प्लेस इन देयर बॉडी. और उसके अलावा दे ग्रो इन साइज, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, मतलब अपने बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. नाउ रिप्रोडक्शन होती है लिविंग थिंग्स में. उसके बाद रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस. तो ये जो सारी थी हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी और जिसका फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे. आई एम मेंशनिंग इट अगेन, इफ यू गाइज वॉन्ट एनी अदर टॉपिक यू कैन मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन. And I'll try to work on that soon as possible. Thank you.